आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, एक नया वैकेंसी निकल कर आया है। छत्तीसगढ़ व्यापा में एक नई वैकेंसी निकल कर आया है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 दिसंबर 2021 एवं आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 की नई भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। तो उस पद की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है शासन वित्त विभाग की तरफ से दोस्तों। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अधीन संचालन छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर एवं अन्य कार्यालयों में स्टेनोग्राफर यानी हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट यानी हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षक भर्ती नियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक के हेतु जारी किया गया है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर होगी, भर्ती कब लिया जाएगा, कितने पद है, क्या है सिलेबस, ये सब देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि कब है या अंतिम तिथि कब है ये सब बताऊंगा दोस्तों। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि कब है ये सब बताऊंगा। परीक्षा का समय कब है ये चलिए देखते हैं। पद का नाम है ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक के लिए दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 12 नवंबर 2021 को दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2021 को दिया गया है रविवार को दोस्तों। तो त्रुटि सुधार के लिए क्या क्या दिया गया देखते हैं। त्रुटि सुधार के लिए 6 से 8 दिसंबर 2021 के लिए दिया गया। व्यापम की वेबसाइट यानी कि प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 17 दिसंबर 2021 यानी कि शुक्रवार को दिया गया है। परीक्षा की तिथि संभावित माना गया है दोस्तों। मैं बताने वाला हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए यह 19/12/2021 यानी कि 19 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक। परीक्षा का समय दिया गया है 10 बजे से 1:15 तक। परीक्षा के केंद्र 5 संभाग में दिया गया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया की। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम है स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की व्यापम पर निर्धारित पाठ्यक्रम से ही ली जाएगी। चयन प्रक्रिया देखते हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर मेरी सूची जारी की जाएगी। तो चलिए रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान देख लेते हैं। तो पद का नाम है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान दिए गए 28,700 रुपये। मैट्रिक लेवल है 7। श्रेणी है तृतीय। कुल पद रिक्त है 1 दिया गया है दोस्तों, 1 पद दिया गया है। दूसरा देखते हैं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए वेतनमान है 19,500 रुपये। लेवल है 4। तीसरा श्रेणी का है और इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 3 दिया गया है। और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतनमान है 25,300 रुपये। लेवल है 6 तृतीय और इसके लिए कुल रिक्त पद है 1। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, आयु की सीमा एवं शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। तो पद का नाम है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इसकी न्यूनतम आयु 18 से 30 वर्ष दिया गया है दोस्तों, अवधि है 3 वर्ष के लिए। इसकी योग्यता की बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, या दूसरा बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था यानी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड यानी कि मुद्रा लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के लिए आवश्यकता से परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 18 से 30 वर्ष लिया है और 3 वर्ष दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं या 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए या हायर सेकेंडरी स्कूल से मान्यता प्राप्त या स्नातक की डिग्री होना चाहिए दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी दिया गया है 18 से 30 वर्ष न्यूनतम आयु 3 वर्ष के लिए अवधि दिया गया है, या इसमें दिया गया है योग्यता किसी मान्यता प्राप्त से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण अथवा पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल से किसी मान्यता से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है दोस्तों। अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो 25 अक्टूबर 2021 से न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और नया बैच आज रात 8 बजे से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। लगातार 15 दिनों तक कोर्स चलेगा। यह गणित पर आधारित प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वही प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा। फिर हर गणित पर आधारित प्रश्न का प्रतिशत लाभ हानि मिश्रण पर संबंधित सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए सिर्फ 2 सेकंड में।
अगर SSC रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो बार बार पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों पर आधारित सवाल देखेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न देखेंगे। फिलहाल तो 29 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहा है, मतलब यानी कि आज रात 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, न्यू क्लास स्टार्ट हो गया है। तो अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।